एक बार एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का आकर बोला, साहब बूट पॉलिश। उसकी दयनीय सूरत देखकर उन्होंने अपने जूते आगे बढ़ा दिए, बोले लो पर ठीक से चमकाना। लड़के ने काम तो शुरू किया, लेकिन अन्य पॉलिश वालों की तरह उसमें स्फूर्ति नहीं थी। वे बोले, कैसे ढीले ढाले काम करते हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। लड़का मौन रहा। इतने में दूसरा लड़का आया, उसने इस लड़के को तुरंत अलग कर दिया और स्वयं फटाफट काम में जुट गया। पहले वाला गूंगे की तरह एक और खड़ा रहा और दूसरे वाले ने जूते चमका दिए। पैसे किसे देने हैं इस पर विचार करते हुए उन्होंने जेब में हाथ डाला। उन्हें लगा कि अब इन दोनों में पैसे के लिए मारपीट या झगड़ा होगा। फिर उन्होंने सोचा, जिसने काम किया उसे ही दाम मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। उसने पैसे तो ले लिए, लेकिन पहले वाले लड़के की हथेली पर रख दिए, प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई और चल दिया। वह आदमी विस्मित नेत्रों से देखता रहा। उसने लड़के को तुरंत वापस बुलाया और पूछा, ये क्या चक्कर है? लड़का बोला, साहब ये 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था, हाथ पैर में बहुत चोटें आई थी, ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो इसकी वृद्धा माँ और बहनों का क्या ही होता। लेकिन बहुत स्वाभिमानी है, भीख नहीं मांग सकता। फिर थोड़ा रुककर वो बोला, साहब यहां जूता पॉलिश करने वालों का हमारा एक ग्रुप है, और उसमें एक देवता जैसे हम सबके प्यारे चाचा जी हैं, जिन्हें हम सब सत्संगी चाचा कहकर पुकारते हैं। वे सत्संग में जाते हैं और हमें भी वहां की बातें बताते रहते हैं। उन्होंने ही यह सुझाव भी रखा था कि साथियों, अब यह पहले की तरह स्फूर्ति से काम नहीं कर पाएगा, तो क्या हुआ? ईश्वर ने हम सबको अपने साथी के प्रति सक्रिय हित, त्याग भावना, स्नेह, सहानुभूति और एकत्व का भाव प्रकट करने का एक अवसर दिया है। जैसे पीठ, पेट, चेहरा, हाथ, पैर भिन्न भिन्न दिखते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं, ऐसे ही हम सभी शरीर से भिन्न भिन्न दिखाई देते हुए भी एक ही आत्मा, हम सब एक हैं। स्टेशन पर रहने वाले हम सब साथियों ने मिलकर फिर तय किया कि हम अपनी एक जोड़ी जूता पॉलिश करने की आय प्रतिदिन से दिया करेंगे और जरूरत पड़ने पर इसके काम में सहायता भी करेंगे। जूते पॉलिश करने वालों के दल में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता और मानवता की ऐसी ऊंचाई देखकर वे सज्जन चकित रह गए और खुशी से उसकी पीठ थपथपाई और सोचने लगे, शायद इंसानियत अब तक जिंदा है। तो साथियों, कल सुबह फिर मिलेंगे हम एक अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।